हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी रिगार्डिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन है जिस पे हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्यों प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, क्या उसके सोर्सेस हैं, उसके फंक्शंस क्या है, वो क्यों काम करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में थोड़े मिथ्स होते हैं कि भाई प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, क्यों हम सप्लीमेंट लेने चाहिए हमको, वगैरह वगैरह। तो उस पर हम थोड़ी क्लैरिटी देंगे। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे सरप्लस अपने बॉडी में जो है, सबसे ज़्यादा कुछ है वो पानी है, और पानी के बाद सबसे ज़्यादा सरप्लस में जो सब्सटेंस है वो है प्रोटीन। तो आप समझ सकते हो कि बॉडी को खुद प्रोटीन की इतनी ज़रूरत है, तो हमें तो बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सोर्स से उसको खाएं और कितना खाना चाहिए। ऑफकोर्स आपकी कैलोरी काउंटिंग इसमें काम में आएगी और उसके हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ये प्रोटीन बेसिक नाश्ता में आपको बताऊं कि ऐसा अपने बॉडी में कुछ भी नहीं है जो प्रोटीन से ना बना हो, जैसे कि आपकी स्किन, आपके नाखून, आपके बाल, आपके ऑर्गन्स, आपके हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोटीन से हेल्पफुल है, प्रोटीन की हेल्प से बनी है, वगैरह वगैरह। सो इट इज जस्ट एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इन योर बॉडी, जो उसके बिना हम नहीं रह सकते। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के प्रोटीन के पांच अलग अलग फंक्शन क्या क्या है, कि उसके मेन पांच काम क्या है, प्रोटीन कैसे काम करता है। सो जैसे हम सब समझते हैं, और ये एक मिथ है कि प्रोटीन एक मसल बिल्डर है, वो तो है ही, पर प्रोटीन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में काम करता है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। बट सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो है मास और मसल मास बनाने का उसका काम। नाउ व्हाट इज दिस? बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, इट इज अ मसल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। नाउ देर आर अराउंड 20 ऑड अमीनो एसिड्स जो काम में आते हैं, और प्रोटीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर। तो ये मॉलिक्यूलर उसका कंपोनेंट है, और ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, वो इंटरलिंक होके बनते हैं, मसल फॉर्म करते हैं, और इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपने को काम करता है। तो दिस इज हाउ मसल मास के फंक्शन में प्रोटीन काम आता है। आइडियली मसल के लिए तो ये एक्टिन और मायोसिन काम करते ही है, बट आपका लीवर, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपके ऑर्गन, सब कुछ प्रोटीन से बना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन था जो हमने डिस्कस किया। सेकेंड फंक्शन में आपको बताऊंगा सेल फॉर्मेशन। बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और क्लस्टर्स बन के एक साथ एक सेल बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सो आइडियली आपका बॉडी में कोई भी कम्युनिकेशन हो कि एक प्रोटीन सेल से दूसरे प्रोटीन सेल तक कुछ मैसेज भेजना हो, तो वो कम्युनिकेशन भी होता है प्रोटीन की वजह से, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन खुद एक कैरियर है, वो एक प्रोटीन है और वो कैरी करता है ऑक्सीजन अपने बॉडी में, और वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सब्सटेंस है अपनी इम्यून सिस्टम के लिए, और इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, जो अभी हम कोविड के टाइम पे हम सीख चुके हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी हो तो आपको खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके प्रोटीन पे। तो सेकेंड फंक्शन जो डिस्कस किया वो है सेल फॉर्मेशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन का अगर बताऊं तो वो है टिश्यू मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अपनी बॉडी में कुछ भी अगर कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ कट रहा है, तो वो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी प्रोटीन ही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोलेजन फाइब्रस रिपेयर सेल है, जो न्यू प्रोटीन, एक अलग टाइप ऑफ प्रोटीन है जो अपनी कार्टिलेज को हील करने में हेल्प करता है। सो दैट इज हाउ आपके बोन्स, आपकी स्किन मेंटेन होती है और रिपेयर होती रहती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन होते हैं बॉडी में। फोर्थ अगर मैं आपको बताऊं कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है एंजाइम्स और हॉर्मोन्स।
Now what is this? Enzymes. Basically enzymes वो ऐसे एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो अपना केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी में. नाउ बेसिकली ये हॉर्मोन्स जो है वो मैसेंजर प्रोटीन्स हैं. जैसे कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना तो वो हॉर्मोन प्रोटीन काम करता है, जैसे कि हमने बताया हेमोग्लोबिन, समथिंग लाइक दैट. सो जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन खुद एक ऐसा प्रोटीन है जो हॉर्मोन की तरह एक्ट करता है और उसका काम है कि ब्लड शुगर को मेंटेन करना और एनर्जी देने के लिए सेल्स को प्रोवाइड करना. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताऊं वो है एनर्जी सोर्स. जो ज्यादातर हम सब समझते हैं कि प्रोटीन खाने से अपने को एनर्जी मिलती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने से एनर्जी मिलती है, तो यस, प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जिससे हमको बहुत सारी अच्छी एनर्जी डिराइव होती है. बट एक चीज अपने को समझने की बहुत जरूरी है कि अनलाइक कार्ब्स एंड फैट्स, अपने बॉडी में कोई ऐसा रिजर्वायर नहीं है जो प्रोटीन को स्टोर कर पाए, इसीलिए उसको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली खाना बहुत जरूरी है. क्योंकि अपने बॉडी में ऐसा कोई भी स्टोरेज सब्सटेंस नहीं है जो प्रोटीन को निकाल के अपने अपनी एनर्जी के लिए अपने को दे. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी खुद प्रोटीन को साइड पे छोड़ देता है, पहले वो यूज करता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. और अगर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी नहीं मिलती है तभी वो प्रोटीन को टच करते हैं. तो बॉडी खुद समझता है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन के और दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है. तो ये बात हुई रिगार्डिंग फाइव डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन. आइडियली जो हमने पहले भी हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स इन द बॉडी, और ये अमीनो एसिड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन ऐसा है कि असेंशियल, नॉन असेंशियल और कंडीशनल. असेंशियल ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो अपनी बॉडी नहीं बनाती है, वो अपने को फूड सब्सटेंसेस या सप्लीमेंट से ही लेने पड़ते हैं. नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर अपने बॉडी बनाती है, और कंडीशनल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो असेंशियल होते हैं तभी जब हम सिक हो या कुछ रिपेयर वर्क में स्पेशल काम उसका आए. तो ये तीन क्लासिफिकेशंस है और इसके हिसाब से हमको सोर्सेस ऑफ प्रोटीन सिलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलती है कि सोर्सेस आपके प्रोटीन के कैसे होते हैं. और बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, असेंशियल, नॉन असेंशियल या कंडीशनल, हम सोर्सेस डिसाइड करते हैं. तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन. आइडियली कंप्लीट प्रोटीन में सभी 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम कंप्लीट बोलते हैं, और ये मेजोरिटी होता है एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू ही अपने को मिलता है, या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू, या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, या फिश. इन शॉर्ट एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हमको खाना जरूरी है अगर हम सिर्फ कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करें तो. बट इसमें एक ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन इनटेक एनिमल प्रोडक्ट्स अगर हम ले तो उसके साथ सैचुरेटेड फैट्स आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है. तो हमको ध्यान रखना है कि हम नॉन फैट या लो फैट मीट सोर्सेस ही चूज करें, या फिर हम लो फैट पोल्ट्री या लो फैट मिल्क या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हम चूज करें. और एडिशनल काम यह है कि यस, हम सी फूड भी ज्यादातर यूज कर सकते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स आने के चांसेस नहीं है. और मेजर प्रॉब्लम है कुकिंग हैबिट्स. हमको कुकिंग हैबिट्स भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. इंडियन क्यूजिंस में बहुत डिफिकल्टी है ये चेंज करना. बट बेसिकली रोस्टिंग या बॉइलिंग अगर आप यूज करें तो ये फैट का प्रॉब्लम और कुकिंग हैबिट्स आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन आपको मिलने के चांसेस हैं. सेकेंड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन. इनकम्प्लीट प्रोटीन आइडियली इज के एक या दो अमीनो एसिड इसमें ना अवेलेबल हो उसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं. और मेजोरिटी इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं प्लांट प्रोटीन्स या प्लांट के थ्रू अवेलेबल जो प्रोटीन्स होते हैं वो. आइडियली बीन्स है, पीज है, नट्स है, सोया प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्स है, और प्लांट प्रोटीन्स, दीज आर ऑल इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि बीन्स या पीज,
जो होते हैं वो जैसे कि चिक पीज है, व्हाइट बीन्स है, वेरी गुड इन प्रोटीन, हमस है वेरी गुड इन प्रोटीन, या सीड्स एंड नट्स जैसे कि आलमंड्स है, कैश्यूज है, नट्स जो भी हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, बट मेक श्योर कि आप सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि वो दूसरा काम करेगा, जो उसके साथ अगर ज़्यादा सॉल्टी आ जाए तो एक्स्ट्रा सोडियम आ जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। सनफ्लावर सीड्स है, सोया प्रोडक्ट्स में हम टोफू बोलो या फिर आप सोया मिल्क बोलो, इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रोटीन अपने को मिल सकता है। किनोवा एक ऐसा ग्रेन है जो एक्सेप्शनली हाई है प्रोटीन में, तो इस इज अगेन अ वेज सोर्स और बहुत अच्छा सोर्स है। इन शॉर्ट अगर हम इनकम्प्लीट प्रोटीन ही खा सकते हैं कोई कारणवश, तो ध्यान रखना है कि हमें इन सबको मिक्स करना चाहिए। अगर आप मिक्स करोगे अच्छी तरह तो आपका अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट बॉडी का फुलफिल हो जाएगा। सो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जानने के बाद जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट होते हैं, हम जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे। सो देर आर अराउंड 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अलग अलग रिएक्शंस और अमीनो एसिड के हिसाब से हम उसको देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन मेरे हिसाब से होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नाउ स्ट्रक्चरल प्रोटीन आइडियली लार्जेस्ट क्लास होता है जो प्रोटीन के हिसाब से हमारे बॉडी में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वो होता उसका होता होगा कैरेटीन और कोलेजन। कैरेटीन फॉर्म करता है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, नेल्स, हेयर एक्सेट्रा, और कोलेजन फॉर्म करेगा कनेक्टिव टिश्यूज के बीच का कनेक्शन, योर टेंडन्स, योर बोन्स, योर मसल्स, योर कार्टिलेज, इवन स्किन। सो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा स्टोरेज प्रोटीन। नाउ ये बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है और ये ऐसे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन एक वाइटल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करेगा इन शॉर्ट। दूसरा एग्जाम्पल बोलूं फेरेटीन। फेरेटीन अपने बॉडी में आयरन को स्टोर करता है, तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू मेक हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन के हिसाब से बनते हैं और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया स्टोरेज प्रोटीन। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करूं तो वो हो गया हार्मोनल प्रोटीन्स। नाउ हार्मोनल प्रोटीन बेसिकली एक्ट करते हैं मैसेंजर की तरह अपनी बॉडी में और ये सिग्नल्स कैरी करते हैं। नाउ और सिग्नल्स कैरी ऐसे करते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होती है उससे सिग्नल्स पास होता है। आइडियली ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोला जाता है, और फॉर एग्जांपल अपनी पेनक्रियाज एक्सक्रीट करती है हार्मोन इंसुलिन को, और इंसुलिन रिलीज करती है ब्लड शुगर को, वो जैसे अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ हार्मोनल प्रोटीन। फिफ्थ अगर मैं आपको बात करूं, अरे सॉरी फोर्थ अगर बात करूं तो वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स भी एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन है जो सर्व करते हैं एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, जो अपनी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी बॉडी में हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड एंड वी ऑल नो अबाउट इट, और इनका मेन काम होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बनाते हैं, जैसे कि एमिनोलाइटिक प्रोटीन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन्स जो होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया एंजाइम्स। फिफ्थ अगर मैं लास्ट बात करूं टाइप ऑफ प्रोटीन तो वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और इसके बारे में हम सब जान चुके हैं अभी कोविड के टाइम में। तो यस, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बेसिकली अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, जो कोई भी इन्वेडर या कोई रिस्क फैक्टर या कोई वायरस अपने बॉडी में एंटर करता है तो उसके सामने अपने को रक्षण देने के लिए। तो ये हो गया टिपिकली आइडियली 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन जानने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिक यूजेस क्या है प्रोटीन के। तो बहुत सारे यूज हैं बट मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो हमने डिस्कस किया।
इनफैक्ट अपनी बॉडी में कोई भी ऐसा सेल नहीं जो प्रोटीन से नहीं बना हो, तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस सब में प्रोटीन ही काम आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जैसे कि एंजाइम जो उसमें हेल्प करता है, जो हम जान चुके हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के थ्रू। थर्ड, वो मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जो मैंने हॉर्मोनल प्रोटीन्स की आपको बात की, वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, मैसेज सेंड करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू। अपनी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, वो प्रोटीन ही देगा क्योंकि सेल्स फॉर्मेशन में उसका मेजर रोल है। मेंटेन्स प्रॉपर पीएच लेवल। नाउ अपनी बॉडी में जो एसिड्स और बेस का बैलेंस होता है वो प्रोटीन ही मेंटेन करता है, और पूरी बॉडी को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है प्रोटीन। सो प्रोटीन खाना इसीलिए बहुत जरूरी है। बूस्ट इम्यूनिटी, ऑफकोर्स ये हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू जान चुके हैं कि वो इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज जनरेट करता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन हैज टू बी टेकन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, फेरेटिन जो आयरन को कैरी करता है, नाउ लिपोप्रोटीन कैरीज करता है कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को। सो अगेन लिपोप्रोटीन ही होता है जो कोलेस्ट्रॉल और फैट को कैरी करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू स्टार्ट ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और लास्ट में आपको बोलूंगा जो सबसे अच्छा यूज है बॉडी का, वो है प्रोवाइड एनर्जी, सॉरी प्रोटीन का, जो है प्रोवाइड एनर्जी। तो ये भी हम जानते हैं कि अच्छी एनर्जी अगर हम लोग को चाहिए तो प्रोटीन अच्छे मात्रा में अपने को खाना चाहिए। लास्ट में आपको बताऊं कि ये सब यूजेस तो मैंने आपको बता दिए, पर साइंटिफिक रीजंस बहुत सारे हैं प्रोटीन अच्छे प्रपोर्शन में खाने के लिए। तो फर्स्ट अगर साइंटिफिक रीजन बोलूं तो प्रोटीन अपनी एपेटाइट को कम करेगा, जिसको बहुत ज्यादा खाने की मैं आप बीमारी ही बोलूंगा, तो वो आपके एपेटाइट को कम करेगा क्योंकि अपने बॉडी में जो ग्रेलिन करके हॉर्मोन्स है उसका लेवल रिड्यूस कर देगा, जो आपके हंगर पैंग्स को बढ़ाता है। तो ये अगर आप अच्छे मात्रा में प्रोटीन खा रहे हो तो ये नहीं होगा। प्रोटीन इंक्रीजेस मसल मास एंड स्ट्रेंथ। ये हम जानते हैं क्यों मसल मास, क्योंकि बेसिक उसका कंपोनेंट प्रोटीन का अमीनो एसिड से ही बनता है और मसल मास फॉर्मेशन में एक्सेलेंट हेल्प करता है। आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हम जान चुके कोलेजन के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। प्रोटीन आपका जो क्रेविंग होता है, बार बार आपको कुछ भी मंचिंग का टाइम का मंचिंग करने का मन चाहे तो वो आपका कम कर दे, क्योंकि आप प्रोटीन सोर्स अच्छा खा रहे हो, अच्छी मात्रा में खा रहे हो, और ये आपके डोपामाइन का फंक्शन आपके बॉडी में अच्छा कर देगा। गुड नंबर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाता है, क्योंकि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है प्रोटीन का, वो हाईएस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब खाना खाने के बाद या प्रोटीन खाने के बाद फिर भी डाइजेशन में जितना टाइम लगता है उतना टाइम भी बॉडी को एनर्जी चाहिए। दैट मींस के बॉडी हैज टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जोन। दैट मींस के थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज हाईएस्ट एज फार एज प्रोटीन इज कंसर्न, तो आपकी मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है प्रोटीन, अगर आप अच्छे फुल डाइट। ऑफकोर्स सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं होगा ब्लड प्रेशर में, पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट यू हैव टू बी ऑन हाई प्रोटीन डाइट, ये हमको पता है। एक बहुत बड़ी मिथ है कि प्रोटीन आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है। प्रोटीन कभी भी एक हेल्दी किडनी को डैमेज नहीं करेगा। अगर आपकी किडनी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसको पहले से कुछ प्रॉब्लम है, तो यस, तो आपको प्रोटीन ने और सब्सटेंसेस भी आपको नुकसान कर सकते हैं। तो पहले प्लीज अगर ऐसा कुछ लगे तो किडनी का इलाज कराना जरूरी है, ना कि प्रोटीन कम करने का। सो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऑफकोर्स आपकी इंजरीज कभी भी आपको हो तो रिपेयरिंग में प्रोटीन ही काम करेगा, आपको तभी भी आपको अच्छा लेवल प्रोटीन का रखना चाहिए रिपेयर के टाइम पे। आपका बॉडी में कुछ भी अगर बोन टूटा हो या स्किन क्रैक हुई हो कुछ कारणवश, तो ये। और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन की बात करूं जो मुझे पसंद है, आफ्टर सर्टन एज आपका मसल ऑटोमेटिकली डिटोरिएट होते हैं, वो कम होते जाते हैं, लूज होते जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सार्कोपेनिया। और अगर अच्छी लेवल पे आप प्रोटीन इंटेक चालू रखें तो सार्कोपेनिया नहीं आ सकता है, वो बहुत कम हो जाता है।
तो दिस इज अ मेजर साइंटिफिक रीजन जो मुझे बहुत पसंद है और इसकी वजह से मैं अपने डाइट में बहुत ख्याल रखता हूँ प्रोटीन का। तो ये हो गया आउट एंड आउट क्यों प्रोटीन लेना है, वाई, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ रीजंस। तो प्लीज अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डायटिशियन या अपने ट्रेनर से बात करें और उनकी एडवाइस पे आपके डाइट चार्ट को फॉर्मुलेट करें एंड ईट गुड नंबर ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे एंड कंसिस्टेंटली टाइम से खाते रहिए। यू विल हैव अ गुड लाइफ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।